अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों, और सुनाओ ठीक ठाक? उम्मीद करे ना सारे खैरियत नाल होसिन। अल्लाह जात सारा इस वबा तो महफूज रखे। सब तो पहली गल ये कि मैं ये क्योंकि वीडियोज़ अपनी लगातार बोल के कर रहा, कोई मैं शॉर्ट्स नहीं ले रहा या एडिट नहीं कर रहा, कोई सिंपल छोटी जी एडिटिंग कर देना जड़ी बस एक मतलब कि, लेकिन वीडियो में लगातार ही बना लिया था, को लफ्जों की गलती हो वे तो इग्नोर कर दे मेहरबानी। अस्सलाम वालेकुम। गल ये सब तो पहले कि सन हिफाजती तदाबीर की है इस वबा तो बचण की, एक नॉर्मल और सादे अल्फाज के विच जिस तरह से पंजाब या नॉर्मल एक देहाती कल्चर एक आ रहा है। सब तो पहले कि सन हैंड सैनिटाइजर वगैरह नहीं मिल सकते साढ़े को नॉर्मल ही होना साबण ना, लेकिन तुम साबण नाल भी हाथ धो रहे हो तो 30 सैकेंड तक पानी के थले रख के अपने हाथों और ज़्यादा तो ज़्यादा साबण मल के, जिस तरह बंदा तयम्मुम नहीं करे ना इस्लाम के विच है कि कोई जगह खाली ना रहे, उस हिसाब नाल तुसी अपने हाथ धो सकते हो। मतलब तयम्मू का ही बयान है, ठीक है? ए वेख लो तयम्मू तकरीबन इन्ना ही अल्फाज होना, ए करके ए वे देखो ए चीज़ा और इजाफी ए दोवें साइडा दे नौ। इस तरह तुसी 30 सैकेंड तक अपने हाथ में साबण नाल मलो और उस तो बाद तकरीबन 15 सैकेंड मलो और 15 सैकेंड पानी के थले रखो, इंशाल्लाह वायरस खत्म हो गए। वजू का एहतमाम करो, प्रॉपर एहतमाम करो और नमाज भी पढ़ो। उस तो बाद जो नैक्सट ऑप्शन है वह भी कि निछ आनी छिंक आनी और या तो खांसी आनी तो रुमाल रखो या ए बाजू इस्तेमाल करो। अमूमन साड़ी आदत है निछ आए तो अभी हाथ रखे ना, और बचपन तो यही है कि नॉर्मली यानी कि ह्यूमैनिटी के बच्चे है कि हमेशा हाथ रखा हुआ ना, लेकिन अगर सारे को टिशू पेपर नहीं है तो इस चीज़ का इस्तेमाल करो। उस तो बाद तो सानू नहीं पता तुम अपना हाथ किस जगह पर टच किया, हो सकता कि उत्थे किसी मरीज इस मर्ज के इस मतलब कि वायरस वाले बंदे उस जगह में टच किए और तुम उसे टच करो, तुम वायरस लेके घर आ सकते हो। लिहाजा कोशिश करो कि अपने हाथ बार 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 जितना ज़्यादा हो सके धोवो। इटली के हालात हैं, मैं दो वीडियो में कहना आज मैं शॉपिंग करने गया, बकायदा टिकट लेके मैं लाइन के बीच खड़ा होना पाया, जबकि जिस इबादत मैं रह रहा इसे तकरीबन 500 बंदा रह रहा, 500 भी नहीं होना 200-300 बंदा है। बाकी इटली के हालात में भी 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन लगियां। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये वेख रहे हो कि अज मैं समान लेने आया मार्केट के विच, तो वेखो कि रूटीन है नंबर कट के, हालांकि जिस आबादी में रह रहे हैं टोटल 500 बंद की आबादी और बात भी लाइन ला के समान खरीदना पाना पाया, तो ये हालात हैं। मेरे अगे दो बंदे खलोते हैं जड़े अज 28 तरीक तो बाद अज निकले बाहर घर, और इतने हालात वेखो बाहर के हालात जो बाकी मतलब इटली के हैं कि लोग बेचारे सड़कों के उत्ते धुंध कितने कितने किलोमीटर लाइन बना के खलोते हैं, क्योंकि इस मर्ज का रूल यही है कि तुसी एक बंदे तो दूसरे बंदे के दरमियान 1.5 मीटर का फासला रखो, 1 मीटर तो ज़्यादा फासला होना चाहिए, लिहाजा लोग बेचारे डरे हुए हैं। बात के आख्या जा सकता, यही हालात हैं। अल्लाह की ज़ात सारे इंसानों पर रहम करे, बस इतनी दुआ की जा सके। उस तो बाद तीसरी जड़ी चीज़ है कि इस वायरस में बिल्कुल लाइट ना लाओ, कुछ बंदे साढ़े को बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो रही है, ये चीज़ इटालियन लोगों इस वायरस में लाइट लिया शुरू के, और आज हालात ये कि आज दूसरा हफ्ता जारी है, मैं खुद भी इटली की हाँ, और वेख लो कि अजे तक कोई किसी किस्म का पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा, जबकि पहले तादाद अगर 200 मरण वाली थी हूँ 400 तक पहुँची खलोती, ठीक होने की तादाद घटती पई है और मरीजों की तादाद दिन ब दिन 2000-3000-4000 डेली हो रही है। इटली अपने पीक से पहुँचने वाला, पीक का मतलब ये कि अगर इटालियन हॉस्पिटल 10,000 या 20,000 या 30,000 या 40,000 बंदे नो ट्रीट कर सकते हैं एक टाइम के तो उसे पहुँचने वाला, और जो किसी अस्पताल दे या किसी मुल्क दे वो अपनी पीक से पहुँच गए कि 40,000 बंदा वो अपने अस्पताल रख सकते हैं और उस इजाफी वो ट्रीट नहीं कर सकते, उन्होंने को अमला नहीं है एक टाइम के, क्योंकि सारे एमरजेंसी मरीज हैं, नॉर्मल कोई भी नहीं है। उस तो बाद फिर डिसीजन शुरू हो गए कि यार असं किस बंदे नूं बचा सकते हैं, जिस तरह जंग दे विच सूरत होनी कि जेड़ा बंदा ज़्यादा बच सकता उसनूं ज़्यादा ट्रीट किया वैना, जेड़ा बंदे दे बचण दे चांस जितने घट होने वैने इतनी उन्होंने घट ट्रीटमेंट दी वैनी है, और शुरू च ही डिसीजन लै दिते वैने कि यार 60 साल तो उत्ते दे बंदे नूं कोई ट्रीट नहीं करना, फिर 50-40-30 इस तरह मतलब कि डिवीजन किया वैना बंदे नूं। अल्लाह ने करे कि ऐसी सूरत हाल काफ़ी लंबे अरसे तक पहुँचे, क्योंकि फिलहाल लगातार मरीज़ बद्दी पैन ज़्यादा ही हो जा रहे हैं, और पाकिस्तान जैसे मुल्क दे विच इटालियन तो दूसरी दुनिया दे विच चौथे नंबर पर आना इस जिहड़ा हेल्थ सिस्टम है, लेकिन पाकिस्तान पाकिस्तान बहुत दूर है, पाकिस्तान को हेल्थ सिस्टम अगर असा शो की तो है तो वो हकीकत इतना नहीं है,
वेंटिलेटर्स नहीं है, जदों डॉक्टर नु किट्टा नहीं मिल रही है, तो सारी गल है कि हालात तो पाकिस्तानी माड़े ही हैं। ट्विटर के उत्ते बह के कुछ भी लिख लेवन नाल को हालात सीधे कदे भी नहीं हो सकते। लिहाजा सिंध गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन इन्होंने चीज़ों छोड़ के अस अपनी जाती तौर पर अभी क्या कर सकते इस चीज़ वास्ते। सब तो पहली चीज़ के हिफाजती तदाबीर ही हैं, दूसरा कि तुम अवेयरनैस पैदा करो, और जो साढ़े देहाती माहौल अमूमन गप होनी, इस गप तो बचो, खुद भी बचो, लोगों भी बचाओ, और किसी भी चीज़ को शेयर करने तो पहले दूसरे, मतलब कि तुसी अगर तुसी पढ़े लिखे हो तो थोड़ी जी तस्दीक कर लो उस चीज़ की क्या हकीकत जो है। कुछ बंदे डिटॉल दे अज मतलब लैके जड़े हैं डिटॉल उद पिछे बकायदा जी करोना ह्यूमैनिटी मतलब वायरस तो प्रोटेक्शन दी लिखी हुई, ये तो जी डिटॉल क्योंकि 2 साल पुराना बनया था, ये किस तरह हो सकता। वो भाई करोना खुद को आज नवा ना नहीं, करोना एक फैमिली का ना है, करोना के इन्फ्लुएंसा आना, सार्स आना, और ये एक नवा वायरस है जना COVID-19 है। लिहाजा करोना एक करोना फैमिली नाल तलक रखे ना, लिहाजा तुसी कोशिश करो गलत इलम फैलावण तो बचो जितना कितना हो सकता। लोकली अपने ग्रुप प्रोड्यूस करो व्हाट्सएप पे, मोबाइल मैसेज दे, और हकीकी इन्फॉर्मेशन शेयर करो, दुआवां पढ़ो जो इस्लाम के बीच हैं, और नमाज भी पढ़ो। अल्लाह जात सारा इस मुजी मर्ज तो महफूज करे।